आप सभी को मेरी तरफ से, और देखो ये झंडा कितना सुंदर लहरा, देखा झंडा ऊंचा रही हमारा, इसकी शान जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, कितना अच्छा लहरा। और हवा काफ़ी चल रही है, हम देख सकते हैं काफ़ी हवा चल रही है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। देखो कितना अच्छा चल रहा है, और दोस्तों आप सभी को हैप्पी होली, और आप लोग अच्छे से त्यौहार बनाएं होली का, और आप सभी सुखी रहे। और हम लोग भी यहाँ होली बनाएंगे, और जैसे बनाएंगे आपको दिखाएंगे। आउट पोस्ट है, छोटा पोस्ट होता है जिसमें 8-10 लोग हम रहते हैं, उसमें ज़्यादा धूमधाम तो होगा नहीं, नॉर्मली जितना होगा उतना मैं आपको शेयर करूँगा। और मेरी तरफ से आपके परिवार को, आपको और मेरी जो सब्सक्राइबर भाई साथी भाई बहन हैं उन सभी को एडवांस में हैप्पी होली, और अच्छे से मनाए त्यौहार, अच्छे से शांति व्यवस्था से मनाए, ठीक है। क्योंकि इन त्यौहारों में थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिक्कत भी आती है, तो उसको आप सही सॉल्व करना है, यही मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों आज 6 तारीख, कल 7, परसों होली है 8 तारीख को, तो मैं भी छुट्टी जा नहीं पाया, जाना था लेकिन बच्चे का मई में 3 मई को बर्थडे है, इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो मैं सोच रहा हूँ कि अप्रैल में जाओ, 10-12 तारीख तक, और मई 10-12 तारीख वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा प्लान नहीं था होली में जाना, लेकिन जा नहीं पाया इसी कारण से, क्योंकि मैं अभी जाता फिर दोबारा आता फिर छुट्टी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि जाने के बाद तुरंत हम आने के बाद जा तो सकते हैं, लेकिन छुट्टी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अभी 1 महीना जाएंगे फिर 4-5 महीने में जाएंगे तो साल भी कटता है, तो बार बार छुट्टी जाना भी संभव नहीं हो पाता है, इसलिए नहीं जा पाया। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगती, मेरी हवा भी कैसी चल रही है, आप लोग ज़रूर बताना और कमेंट करना, और ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, हमारे पूरे फौजी परिवार की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी होली। और दोस्तों अभी मुझे हैं दिन के 1, करने का। चलो दोस्तों यहीं पे वीडियो भी समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में आपको मिलेंगे जल्दी ही, ये भी समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो भी हो रही है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।